हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मठरी। और ये ऐसा नाश्ता है कि इसे आप एक बार बनाकर महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप ज्वार के आटे का इस्तेमाल किया है और 2 कप मैदा लिया है। तो इसमें जो ज्वार का आटा होता है वो शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो सबसे पहले इन आटों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दोनों आटे को। और मिक्स करने के बाद इसमें मोयन करना है, तो ये मैं 4 चम्मच तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तेल का मोयन पूरे में हो जाए जिससे। तो इसे जब हाथ से अच्छे से दबा के जब इसे हम मिक्स करेंगे तभी अच्छे से मोयन होता है। तो इस प्रकार से हाथ से कर लेंगे। तेल का मोयन जितना अच्छा होता है मठरी उतनी ही क्रिस्पी बनती है। तो ये देखिए, जब ऐसी मुट्ठी बनने लगे मतलब कि मोयन बराबर से हो चुका है। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है नमक टेस्ट के अनुसार, और ये मैंने डाल दी है 1 चम्मच अजवाइन ली है, और इसे अच्छे से इस प्रकार से हाथ से थोड़ा मसल लेना है और इसके बाद इसे मिला देना है। और अब ये मैंने थोड़ी सी हल्दी इसमें डाल दी है, और ये मैं इसमें मिर्ची डाल रही हूँ 1 चम्मच, और ये मैंने ली है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हाथ से इस प्रकार से चूरा चूरा करके और इसमें मिक्स कर देंगे। अगर कसूरी मेथी पत्ते नरम पड़ चुके हैं तो आप उसे तवे के ऊपर रख के हल्का सा गर्म करेंगे तो वो फिर अच्छे से बारीक पिस जाते हैं, तो हाथ से ऐसे रगड़ने से वो चूरा चूरा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और अब इसे आटा लगाना है, तो ये मैंने गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया है, और इसका एक थोड़ा आटे से थोड़ा कड़ा आटा लगाएंगे, रोटी बनाने वाले आटे से थोड़ा सा कड़ा आटा लगाना है। तो ये देखिए, मैं आटा लगा रही हूँ, ये देखिए आटा मैंने लगा लिया है। इस प्रकार से इतना कड़ा आटा हमें रखना है। तो अब इसके मैंने बड़े बड़े टुकड़े तोड़ लिए हैं, और इसकी बड़ी सी एक रोटी बेल लेना है। ये देखिए, इस प्रकार से इसे बेल लेंगे। और अब इसे गोल गोल काट लेना है। ये देखिए, इतना मोटा रखना है इसका किनारा। अब मैं इस छोटे गिलास की मदद से, ये गिलास है, इसकी मदद से इसे गोल गोल मठरियाँ बना ले रही हूँ। छोटी कटोरी हो तो उससे भी बना सकते हैं। ये देखिए, इससे बराबर साइज की मठरी निकाल लेंगे। इसी प्रकार से सभी को बेल लेना है और बना के रख लेना है। और इसमें छेद करना इस प्रकार से ज़रूरी है जिससे ये पूरी की तरह फूले नहीं, नहीं तो वो नरम रहेंगी और कुरकुरी नहीं आ पाएंगी, क्रिस्पीपन उनमें नहीं आएगा, इसलिए इस प्रकार से छेद करना इनमें ज़रूरी है। अब इन्हें इस प्रकार से रखते जाएंगे। और इसी प्रकार से सभी आटे की मठरी बना लेनी है, और इस प्रकार से गोल गोल काट कर निकाल लेना है, और इसमें छेद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, मैंने सभी को तैयार कर लिया है। ये देखिए, सभी तैयार हो गई हैं। अब इन्हें तलने की बारी है। तो ये मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था, और अब इसमें मठरी डाल देंगे। अब इन्हें तल लेना है। तो मैंने गैस की फ्लेम जो है मीडियम पे रखी हुई है, बहुत तेज फ्लेम पे इन्हें नहीं तलना है, पहले मीडियम फ्लेम और उसके बाद फिर उसे सिम पे कर देना है, और सिम पर इन्हें धीरे धीरे सिकने देना है जिससे ये क्रिस्पी आएंगी और सॉफ्ट नहीं रहेंगी। ये देखिए, मैंने इन्हें पलट के दोनों साइड तल लिया है।
और इन्हें इस प्रकार से निकाल के रखे जाएंगे। तो इसी प्रकार से मैंने सभी मटरियों को तल लिया है दोनों साइड बिल्कुल सेम फ्लेम पे, पहले मीडियम और उसके बाद सिम पर करके इन्हें तल लेना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।